Hello my dear friends, this is Akanksha Singh. Welcome you on YouTube channel Way to ZRF. And आज हम जैसा है यहाँ पे लिखा है कि हम आज हम डिस्कस करेंगे पेपर टू की स्ट्रेटजी के बारे में. नेट ZRF जो भी नेट और ZRF की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके पेपर टू की कैसे स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि पेपर टू के लिए कैसे वो प्रिपरेशन करें, इस पर आज हम बात करेंगे. तो क्या है कि हाउ टू स्टडी सेकेंड पेपर, मीन्स सेकेंड पेपर को कैसे पढ़ें या कैसे उसमें इफ़ेक्टिवली उसको प्रिपेयर करें कि चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा टाइम तक हमारे माइंड में रिटेन करें और ज़्यादा टाइम तक हमें चीज़ें याद रहें. तो अभी हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेटजी के बारे में और लास्ट में कुछ टिप्स हैं स्मार्ट स्टडी के लिए. तो इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा. एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको सारे PDF वहाँ पर मिल जाएंगे. बात करते हैं स्ट्रेटजी की कि स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए अगर हम किसी भी चीज़ किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए. सिंपल सी बात है, अगर आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो एक बिल्कुल आप फोकस्ड होना चाहिए. उसको बोलते हैं माइंड मैपिंग, मीन्स कि आपके माइंड में एक बिल्कुल क्लियर इमेज होना चाहिए. जैसे आप नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप ZRF के लिए प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, तो आपके माइंड में बिल्कुल एक क्लियर इमेज होना चाहिए कि हाँ हमको ZRF की प्रिपरेशन करनी है या नेट की प्रिपरेशन करनी है. इसके अलावा कोई दूसरा डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, एक फोकस्ड एम होना चाहिए, बिल्कुल फोकस एम होना चाहिए. जब आपका जो माइंड में जो इमेज है वो बिल्कुल क्लियर होगी, आपका एम बिल्कुल फोकस्ड होगा, तो आप समझ लो 50% प्रिपरेशन तो यहीं से कम्प्लीट हो जाती है. कि जब आपके माइंड में इमेज होगी तो आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होंगे, आप चीज़ों के लिए जो भी चीज़ें हैं कि कैसे प्रिपेयर करना है, कैसा एग्ज़ाम होना है, क्या है, तो उसके लिए आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे. क्योंकि जब हमारे पास जब हमारा एम जो भी है, जब हमारे पास हमारा जो एम वो अगर क्लियर सेट है कि हाँ हमें क्या करना है वो बिल्कुल क्लियर है, तो सिंपल सी बात है आप वहाँ पे कॉन्फिडेंट होंगे. आप जो चीज़ें करेंगे या जो जैसे भी प्रिपरेशन करेंगे वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी. इसीलिए सबसे पहले है जो भी आप करना चाहते हो या जो भी आप करने जा रहे हो, जो भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप करने जा रहे हो, नेट है, ZRF है और भी कोई भी एग्ज़ाम है, तो सबसे पहले उस पर आप अच्छे से बिल्कुल प्लानिंग करो, बिल्कुल सोचो दिमाग में. आप एक मतलब एक दो दिन आराम से आप उस पर उसके बारे में सोचो, उसके पॉजिटिव्स नेगेटिव्स और उसके क्या क्या उससे रिलेटेड साइड्स क्या हैं, उससे रिलेटेड फील्ड्स क्या हैं, उसका एम क्या है, उस पर आप टू थ्री डेज लेके आप आराम से बिल्कुल सोचो, जिससे क्लियर इमेज बन के आपके माइंड में आएगी कि हाँ ये एग्ज़ाम है, इसको क्वालिफाई करना है, इसको क्वालिफाई करने के लिए क्या क्या करना है, वो सब एक बिल्कुल क्लियर इमेज आप माइंड में सेट करो. उसके बाद आता है जब क्लियर इमेज हो गई कि हाँ आपको नेट की प्रिपरेशन या ZRF की प्रिपरेशन करनी है, उसके बाद आता है ये तो क्लियर हो गया इमेज, उसके बाद आता है सिलेबस. जब इमेज बिल्कुल क्लियर है, आपका एम बिल्कुल फाइनल है कि आपको प्रिपरेशन करनी है नेट एंड ZRF की, देन आता है सिलेबस. उसके बाद आप सर्च आउट करो कि क्या सिलेबस क्या है आपका, जैसे पेपर टू क्या है. लाइक मैं बात करूँ अगर होम साइंस की तो उसका कोड नंबर है 12. तो अगर आप होम साइंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसका सिलेबस फिर आप कलेक्ट करो कि सिलेबस क्या है, कितने यूनिट्स आते हैं, यूनिट्स में टॉपिक कौन कौन से हैं और कितने किस यूनिट से कितना वेटेज आता है. तो सिंपल सी बात है, होम साइंस में 10 यूनिट्स आते हैं और हर एक यूनिट से ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि पेपर टू में जो है वो 200 क्वेश्चन आते हैं. तो हर एक पेपर से मिनिमम 18 मैक्सिमम 20, हर एक यूनिट से 18 से 20 क्वेश्चन आते हैं, जो मल्टीपल आंसर्स में, सीक्वेंसिंग में, मैचिंग में, एसर्शन रीज़न, सिंपल क्वेश्चन, ये सारे मिला के ऑलमोस्ट 15-20 क्वेश्चन एक यूनिट से बन जाते हैं. तो जब आपका एम क्लियर है उसके बाद आपको सिलेबस के बारे में सर्च आउट करना है कि क्या सिलेबस है, कितना सिलेबस है, कितना आता है, कितने यूनिट्स हैं और कौन सा आपके अकॉर्डिंग, अगर सिलेबस आपने कलेक्ट किया है तो आपको कौन सा यूनिट टफ़ लगता है, कौन सा ईजी लगता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप टाइम मैनेजमेंट करना. जो यूनिट टफ़ है उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम देना, जो यूनिट थोड़ा सा ईजी लगता है उसको कम टाइम देना. बट द मेन थिंग इज़ दिस कि आपको टाइम सारे जितने भी यूनिट्स हैं आपको टाइम सारे यूनिट्स को देना है, आपको सारे यूनिट्स रिवाइज करने हैं. देन आता है स्टडी मटेरियल कि आपने सिलेबस भी कलेक्ट कर लिया, ठीक है. उसके बाद आप देखो कि आपके पास कि कौन सी बुक्स अवेलेबल हैं, कौन सी बुक्स नहीं हैं, फिर आप कुछ आपके सीनियर्स हैं या फिर आपके जानने में जो नेट या ZRF की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनसे आप कंसर्न करो, उनसे आप कनेक्ट करो कि बेस्ट बुक्स कौन सी हैं या
आप कौन सी बुक प्रेफर करते हो, आप उसके बाद फिर आप अपने पास मैच करो कि आपके पास कौन सी बुक्स हैं, कौन सी बुक्स आपके पास नहीं हैं, आपको और कितना स्टडी मटेरियल कलेक्ट करना है। क्योंकि जब सारी चीज़ें आपके पास प्रिपेयर होंगी, फिर आपको पास सिर्फ एक ही काम बचेगा, वो है स्टडी करना, प्रिपरेशन करना। क्योंकि अगर आपके पास प्रॉपर स्टडी मटेरियल ही नहीं है तो आप प्रिपरेशन किस चीज़ की करोगे। इसीलिए सिलेबस इकट्ठा हुआ, उसके बाद आपको चाहिए कि आप प्रॉपर स्टडी मटेरियल कलेक्ट करो। क्योंकि सिंपल सी बात है, जो भी लोग नेट या JRF क्वालिफाई कर रहे हैं वो भी हैं तो हमारे जैसे स्टूडेंट्स ही, तो अगर वो क्वालिफाई कर सकते हैं तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते। सिंपल सी बात है। तो यह है कि आपको देखना है कि उनकी स्ट्रेटेजी क्या थी। तो सिंपल सा है, पहले मैं हर एक वीडियो में बोलती हूँ कि माइंड मैपिंग, जो माइंड में एक इमेज है आपकी एम को लेकर, बिल्कुल आपके ऑब्जेक्टिव्स को लेकर, वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद आपका सिलेबस, जिस भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके पास प्रॉपर अच्छा सिलेबस, बिल्कुल आप उसको शॉर्ट आउट करके, पॉइंट आउट करके रखो कि हाँ ये सिलेबस है। देन उसके बाद आता है स्टडी मटेरियल, कि आपके पास स्टडी मटेरियल पूरा कलेक्ट करो उसको। देन आता है हाउ टू स्टडी, क्योंकि जो पेपर है उसमें कुछ क्वेश्चन आते हैं कॉन्सेप्ट बेस्ड आते हैं, कुछ सिंपल क्वेश्चन होते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन बेस्ड होते हैं कुछ ऐसे डाटा ड्रिवन, कॉन्सेप्ट बेस्ड एंड प्रैक्टिकल। हम डाटा ड्रिवन के लिए बोल सकते हैं, जैसे होम साइंस में हो गया RDA, ठीक है। तो RDA पे तो हम अपना कोई उसमें एक्स्ट्रा कोई इंक्लूड नहीं कर सकते, ना ही उसमें से कुछ एक्सक्लूड कर सकते हैं। RDA जो है, जो गिवन है वही हमको याद करनी है। उसके बाद पॉलिसीज़ हो गई, ठीक है, पॉलिसीज़ में भी हम कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। तो और जो प्रोग्राम्स हो गए, पॉलिसीज़ हो गई, एक्सटेंशन प्रोग्राम हो गए, ये तो ये सब के जो ईयर है, डेट्स हैं, इनकी ड्यूरेशन है, इनके एम्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ये सब होते हैं डाटा ड्रिवन, मीन्स जिनको आपको रटना है। और बहुत कई बार ऐसा होता है कि ना, रटा हुआ आपने रटा, ठीक है, 2-4 दिन आपको याद रहा, उसके बाद आप भूल गए, तो ये भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे, कैसे चीज़ें हमें ज़्यादा टाइम तक याद रखनी है। तो एक टाइप के क्वेश्चन तो हो गए डाटा ड्रिवन, जो बिल्कुल आपने रट लिए, ठीक है, हो गया। उसके बाद आते हैं कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप किसी भी सब्जेक्ट से या किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको उस अपने सब्जेक्ट का एक एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। क्योंकि जो इसमें कुछ क्वेश्चन आते हैं असर्शन एंड रीज़न, उसके बाद मैचिंग वाले क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन होते हैं कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं। क्योंकि असर्शन रीज़न में कुछ टर्म्स दिया होता है या उसकी एक्सप्लेनेशन दी होती है, फिर उसका रीज़न पूछते हैं। जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप क्वेश्चन एंड रीज़न कैसे फाइंड आउट करोगे। इसीलिए अगर आप नेट का अगर पेपर दे रहे हो तो आपको बहुत ज़रूरी है कि आपको आपके सब्जेक्ट में जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो प्रॉपर क्लियर होने चाहिए। क्योंकि असर्शन रीज़न और मैचिंग को मिला के 25 to 30 क्वेश्चन हो जाते हैं दोनों को मिला के। तो ये 25 to 30 क्वेश्चन अच्छा स्कोरिंग होता है अगर आपको कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। देन आता है प्रैक्टिकल, कुछ क्वेश्चन आते हैं जो प्रैक्टिकल बेस्ड होते हैं, जैसे कुछ क्वेश्चन सिक्वेंसिंग होगा, जिसमें ऑर्डर में सिक्वेंस, ऑर्डर में या सिक्वेंस में अरेंज करना है, तो सिक्वेंसिंग वाले क्वेश्चन हो गए। देन मल्टीपल आंसर वाले क्वेश्चन हो गए, तो इनके लिए आपको चाहिए प्रैक्टिकल नॉलेज। तो प्रैक्टिकली अगर आप जो यूजी में लाइक जो प्रैक्टिकल्स होते थे उनमें क्या स्टेप्स थे, तो वो प्रैक्टिकल नॉलेज भी आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा प्रैक्टिकल नॉलेज पे। क्योंकि वहाँ से सीक्वेंसिंग और मैचिंग के क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है, और मैचिंग क्वेश्चन के जो हैं उनमें कुछ टर्म्स भी आते हैं, कभी टर्म दे दिया, उसके एक्सप्लेनेशन दे दिए। तो मैचिंग वाले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक बहुत अच्छा मेथड है, उसके बारे में भी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। मीन्स 90% टाइम वो मेथड वर्क करता है। तो अब आगे हम बात करेंगे सिलेबस की, सिलेबस क्या क्या है। एक हम और ऐसे ही और लाइन में देखते हैं सिलेबस। हमारे होम साइंस में 10 units आते हैं। तो यूनिट फर्स्ट है फूड साइंस एंड फूड सर्विस मैनेजमेंट, मीन्स फूड साइंस क्या है और फूड सर्विसेज क्या हैं, लाइक जो मेन्यू, मेन्यू कार्ड्स और सर्विसेज, ये सब। देन आता है यूनिट टू न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स, इसमें ग्रुप ऑफ फूड ग्रुप्स, न्यूट्रिशन, डाइटेटिक्स। देन थर्ड इज़ टेक्सटाइल, फोर्थ इज़ टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग, फिफ्थ यूनिट इज़ रिसोर्स मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर मैनेजमेंट। ये मेन टॉपिक्स हैं, इनके अंदर में अभी सब टॉपिक्स आते हैं। फिर अगर आपको डिटेल में कोर्स चाहिए, आपको टॉपिक्स
के साथ साथ सब टॉपिक के बारे में जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं एक नया वीडियो लेके आऊँगी सिलेबस के बारे में, उसमें फुल सिलेबस को हम डिस्कस करेंगे कि पूरा सिलेबस क्या है। तो जो यूनिट 5 है वह रिसोर्स मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर इश्यूज़। देन यूनिट 6 आता है हाउसिंग एंड इंटीरियर डिज़ाइन, मीन्स हाउस का डेकोरेशन कैसे करना है, उसकी इंटीरियर डिज़ाइनिंग कैसे करनी है जिससे प्रॉपर जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है वो प्रॉपर रिसोर्सेज यूज़ किए जा सकें। देन आता है चाइल्ड एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, मीन्स डेवलपमेंटल स्टेजेस, थ्योरीज, ये सब। देन फैमिली स्टडीज़। देन आता है कम्युनिकेशन फॉर डेवलपमेंट, इसमें कम्युनिकेशन मेथड्स, मॉडल्स एंड डेवलपमेंट। देन एक्सटेंशन मैनेजमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, मीन्स एक्सटेंशन प्रोग्राम्स क्या क्या चल रहे हैं, क्या क्या पॉलिसीज़ हैं, प्री इंडिपेंडेंट पॉलिसीज़, आफ्टर इंडिपेंडेंट पॉलिसीज़, ये सारे पूरे टोटल 10 यूनिट्स हैं, इनके बारे में हम फिर कभी एक्सप्लेन में डिस्कस करेंगे। देन ये हमने लास्ट में बात करी थी कि टिप्स के बारे में कि क्या टिप्स हैं जिससे आप मीन्स ज़्यादा दिनों तक अपना जो भी आप पढ़ रहे हो वो आपको लॉन्ग टाइम तक रिटेन रहे, लॉन्ग टाइम तक याद रहे। देखो बहुत कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास नॉर्मली 3 स्टेजेस होती हैं कि हमें सब कुछ आता है, उसके बाद आता है कि हाँ ये टर्म सुना तो है बट याद नहीं आ रहा है। देन आता है थर्ड स्टेज कि हमको कुछ नहीं आता है। तो आप जहाँ तक हो सके पॉसिबल करो कि आप ना जो टॉप 2 स्टेजेज हैं उसमें ही रहो, मीन्स सब कुछ आता है या फिर टर्म सुना तो है, उसके बारे में पता भी है बट एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। ये 2 स्टेजेस ठीक हैं, थर्ड स्टेज में तो बिल्कुल नहीं आना है कि कुछ भी नहीं आता। तो उसके लिए है अगर कुछ बहुत सारे जैसे टर्म्स हो जाते हैं हमें याद नहीं रहते हैं और जो मैचिंग वाले क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चन आते हैं, ये मोस्टली टर्म पे बेस्ड आते हैं कि टर्म्स क्या है, टर्मिनोलॉजी, उनकी मीनिंग। तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है चेन लर्निंग, मीन्स जब आप पढ़ाई कर रहे हो आपने कोई एक प्लान, एक टाइम टेबल बनाया पूरे वीक का, आप जब पढ़ रहे हो तो आप साथ में नोट्स भी प्रिपेयर करते चलो जो आपको बिल्कुल लास्ट मोमेंट रिवीजन में हेल्प करेंगे। और नोट्स में अगर आपको कोई टर्म मिलता है तो उस टर्म को आप लिख लो, अलग एक कॉपी लो, उस पर आप टर्म्स लिखो, उसका एक्सप्लेनेशन लिखते जाओ। ऐसे फिर आप देखोगे कि आप कुछ टाइम के बाद आपको वो टर्म याद, जब आपने टर्म लिखा उसका एक्सप्लेनेशन लिखा, ऐसे जितने भी टर्म आप जब पढ़ रहे हो तो जो जितने भी टर्म्स आ रहे हैं आपको लगता है कि हाँ ये वर्ड भी नया है तो वर्ड आप लिख लो, उसका एक्सप्लेनेशन लिख लो। फिर आपने पूरे वीक का एक प्लान बनाया कि आपका ये स्टडी टेबल है, उसके बाद आप एक दिन लाइक संडे को ही ले लो, संडे में जिसमें आप जितना भी आपने पूरे वीक में पढ़ा उसको रिवाइज करना है। जब वो चीज़ें आप रिवाइज करोगे तो वो चीज़ें आपको ज़्यादा टाइम तक याद रहेंगी। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जितने भी आप नोट्स बनाते हो उनको वीक में एक दिन ऐसा रखो जिसमें आप उनको सिर्फ रिवाइज करो। जब वो आप पर वीक उनको रिवाइज करते रहोगे तो आप खुद देखोगे आपके दिमाग में चीज़ें बहुत टाइम तक रुक रही हैं। तो ऐसे जब आप टर्म्स बनाओगे, टर्म्स के एक्सप्लेनेशन भी लिखोगे, उसके बाद उसको लास्ट वीक में आप रिवाइज भी कर रहे हो, तो ऐसे टर्म्स आपको याद होने लगेंगे। और कुछ टर्म्स अगर आप भूल भी रहे हो तो जब आप एग्ज़ाम में वो टर्म पढ़ोगे तो खुद ब खुद वो आपके दिमाग में स्ट्राइक कर जाएगा कि हाँ इस टर्म का कुछ ऐसा मीनिंग था। और टर्म्स को याद करने का बहुत अच्छा सिंपल तरीका है कि उनको ब्रेक करके याद करो। टर्म्स जो हैं उनको ब्रेक, जैसे जेरोसिस दिया है, कोई टर्म दिया है कंजक्टाइवल जेरोसिस, तो आपको पता है कंजक्टाइवा मीन्स आई होता है, जेरोसिस का मीनिंग होता है ड्राइनेस। तो ये जेरोसिस टर्म जहाँ भी आएगा उसका मीनिंग होता है ड्राइनेस। तो ऐसे टर्म्स को जब आप ब्रेक करके याद करोगे तो वो चीज़ें याद रहेंगी, इससे एक चेन टाइप फॉर्मेशन होता रहेगा कि हाँ ये टर्म उससे रिलेटेड है, कि फिर ये सेकेंड टर्म थर्ड से रिलेटेड है, तो एक चेन फॉर्मेशन होगा, तो उसको बोलते हैं चेन लर्निंग। देन आता है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी चीज़ें आप पढ़ रहे हो थोड़ा टाइम दे के पढ़ो, आप आराम से पढ़ो बट उनके जो भी आप पढ़ रहे हो उनके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर करके पढ़ो। क्योंकि बहुत टाइम, बहुत बार ऐसा होता है कि कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आता है, और लास्ट वाला जो अभी नेट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो थे वो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन थे। देन आता है मीनिंग आउट ऑफ क्वेश्चन, कई बार आपको हो जाता है कि समझ में नहीं आता क्वेश्चन करना क्या, तो जब आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे, बिल्कुल फोकस करके क्वेश्चन पढ़ो, तो बहुत बार क्या 80-90% ये चांस होता है कि क्वेश्चन में ही आंसर का कोई ना कोई हिंट आपको मिल जाता है। जब आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो उसका मीनिंग ड्रॉ करने की कोशिश करो कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, और जब आप उसका मीनिंग ड्रॉ आउट करेंगे
तो वहीं से आपको आंसर का हिंट भी मिल जाएगा। तो इसीलिए बोलते हैं क्वेश्चन को भी बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में ही कोई ना कोई मीनिंग, आंसर का कोई ना कोई हिंट जरूर रहता है। देन आता है ये एलिमिनेशन मेथड, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। ये मल्टीपल जो मल्टीपल आंसर वाले क्वेश्चंस होते हैं, जिनमें कई सारे मल्टीपल आंसर्स आपको सेलेक्ट करने होते हैं, एंड लास्ट में आते हैं मैचिंग। तो मल्टीपल आंसर क्वेश्चन और मैचिंग में ये एलिमिनेशन मेथड बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। लाइक कोई क्वेश्चन दिया है, उसमें 4 आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, उसमें से कोई 2 करेक्ट है, 2 करेक्ट नहीं है, तो आपको सेलेक्ट करना है कि कौन से करेक्ट आंसर हैं। आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको नहीं आ रहा है कि अच्छा थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है अगर आपको कि क्या आंसर हो सकते हैं, तो आप उसमें एलिमिनेशन मेथड यूज़ करो कि अच्छा इस जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड टर्म जो नहीं है आप उसको एलिमिनेट करना स्टार्ट करो। अब जो टर्म रिलेटेड नहीं है जब आप उसको एलिमिनेट करोगे, तो ऑब्वियस सी बात, सिंपल सी बात है कि जो भी टर्म आपके क्वेश्चन में बचेंगे वो आपके क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर होंगे। तो एलिमिनेशन मेथड मोस्टली 90% टाइम बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है मैचिंग और मल्टीपल जो आंसर वाले क्वेश्चन होते हैं उनके लिए। तो ओवरऑल ये है कि आप, हम अगर ओवरऑल डिस्कस करें कि कैसे स्ट्रेटजी है, क्या होना चाहिए, वो ये है कि एक आपके माइंड में क्लियर इमेज होना चाहिए आपको करना क्या है। देन अगर जो आपके माइंड में क्लियर इमेज है कि हाँ आपको प्रिपरेशन करनी है, तो उसका सिलेबस के बाद जितनी भी स्टडी मटेरियल आप कलेक्ट कर सकते हो वो, और जो फिर उस फील्ड से जो रिलेटेड पर्सन है या जिन्होंने नेट या JRF पहले क्वालिफाई किया है, उनसे बात करना, उनका एक्सपीरियंस पूछना, उनसे पूछना कि आपने कैसे प्रिपरेशन की, उसके अकॉर्डिंग फिर आप अपना एक स्टडी मेथड बनाओ। क्योंकि आपको, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, आपको पता है कि आपका पोटेंशियल क्या है, आप कितना टाइम स्टडी कर सकते हो। एंड हाँ, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं फर्स्ट पेपर के साथ साथ ही, अगर आप सेकेंड पेपर की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, तो सेकेंड पेपर को भी एटलीस्ट आपको 4 to 5 hours मिनिमम देने ही होंगे स्टडी के लिए। तो इसके बाद फिर आपको चाहिए कि आप बिल्कुल, कुछ टिप्स हैं स्मार्ट स्टडी के लिए, वो चेन लर्निंग, यही कि आप टर्म्स एंड एक्सप्लेनेशन शॉर्ट नोट्स साथ में बनाते जाएं, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी, उसके साथ बहुत ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है रिविज़न। तो वीकली रिविज़न 15 days, जैसे आपको सुटेबल लगे, बट मैं सजेस्ट करूँगी कि आप वीकली रिविज़न ज़रूर करें। देन क्वेश्चन कैसे और बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना। प्रीवियस ईयर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन, आपको जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलते हैं या प्रैक्टिस सेट मिलते हैं, उनको आप ज़रूर सॉल्व करिए। जब आप एक बार सारा सिलेबस आपने कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट ये सॉल्व करिए। इससे आपको समझ में आएगा, एक आइडिया मिलेगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उससे आपको क्वेश्चन के मीनिंग समझने में आसानी होगी और आपको एग्ज़ाम का डिमांड समझ में आएगा कि एग्ज़ाम कैसे क्वेश्चन, कैसे कॉन्सेप्ट डिमांड करता है। देन एलिमिनेशन मेथड, ये तो अपने आप में एक बेस्ट तरीका है कि आपको अगर क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है, कुछ कन्फ्यूज़न है, तो आप एलिमिनेशन मेथड के थ्रू उसको प्रॉपर अच्छे से कर सकते हैं। थैंक यू। एंड अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। ये मेरा है फेसबुक पेज वे टू ज़ारा विद आकांक्षा सिंह, तो आप मुझे यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल है वे टू ज़ारा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एंड वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट करके जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे उनको भी अपनी प्रिपरेशन में हेल्प मिले। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, बाय बाय।